हमारे बैठे हुए हैं जी तर्कशील बंदा जी। सर कैसे हैं? आदाब हारिस भाई, क्या हाल है आदाब। बिल्कुल ठीक। से क्या कहना चाहेंगे? जी? सर मेरे दो तीन पॉइंट हैं। हेलो गुलजार साहब। हाँ सर, एक तो मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि ये 295 जो है, मैं भी मानता हूँ कि ये हटना चाहिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर ये हट गया तो इससे तो फिर जो मतलब जो कानून है वो तो इस पे से हट जाएगा, तो फिर इस पब्लिक में बात आ जाएगी, फिर तो ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इसको मतलब हटने का भी एक मिसयूज हो जाएगा, ऐसा नहीं लगता आपको? क्योंकि एक दूसरे को फिर वो नीचा दिखाएंगे, फिर और ज्यादा लड़ेंगे कि तूने हजरत राम के लिए ये बोल दिया तो हमने मोहम्मद के लिए ये बोल दिया। नहीं, लेकिन उसका नतीजा देख लेना। अब तो हजरत राम, अभी पिछले हफ्ते कोई एक और केस हो गया था ब्लास्फेमी का। मैं देख रहा था कि इन्होंने हमारी इमोशंस को ठेस पहुंचाई है। ये बातें कर रहे थे इसी तरह की, किसी और ने कोई महल हिंदू धर्म के ऊपर बात कर दी थी। तो वो ये बात तो कहीं पर रुकेगी नहीं, और इससे रुकता नहीं, इससे काम बढ़ता ही है जितना भी डेटा हमें मिलता है। और अगर ये खत्म हो जाएगा और इसमें लोग खुद मैच्योरिटी आएगी लोगों में, एक कुछ अरसा करेंगे शरारतें, लेकिन फिर जब खामोशी लोगों में, दे विल डेवलप थिकर स्किन। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि चाहे नेशनलिज्म के ऊपर बात हो रही हो या चाहे रिलीजन के ऊपर बात हो रही हो, लोग अब ज्यादा सेंसिटिव होते जा रहे हैं इन मामलों के ऊपर। क्यों? ब्लास्फेमी लॉ जो है, ये असल में एक चीज को सैंक्शन करता है, उसको लिजिटिमाइज करता है। वो कहता है कि हाँ भाई, हम मानते हैं कि आपको किसी के मजहब के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। भाई क्यों क्यों नहीं करनी चाहिए? कौन होते हो आपके, हम किसी के ऊपर, हम अगर दुनिया के हर आइडिया के ऊपर बात कर सकते हैं, मजहब के ऊपर क्यों नहीं बात कर सकते? तो जब, और ये इतना अनसस्टेनेबल लॉ है कि इसके ऊपर आप कितने साल में, हजार में, और आप देख लें ये ब्लास्फेमी केसेस, अभी कुछ अरसे में रिपोर्ट आ जाएगी, इंडिया में भी ब्लास्फेमी केसेस जो है स्काई रॉकेट हो गए हैं। इतने नहीं होते थे। अगर कोई डेटा निकालेगा तो आपको पता चल जाएगा कि आखिरी 3 सालों में जितने ब्लास्फेमी केसेस रजिस्टर हुए, वो पिछले 20 सालों में शायद उतने नहीं हुए होंगे। तो ये तो यही शो कर रहा है कि ये चीज तो खत्म हो रही है। तो इसलिए स्टेट को पोजीशन लेनी पड़ेगी कि भाई ये इसको, डिस्कोर्स को बेहतर करो। ये क्रिटिसिज्म है, हर एक चीज के ऊपर हो सकता है, और आपकी इसके ऊपर भी हो सकता है, रिलीजन के ऊपर भी हो सकता है। और जब क्रिटिसिज्म होगा तो लोग खुद ही थिकर स्किन डेवलप करेंगे। ये पहला स्टेप हमेशा मुश्किल ही होता है। वो इकोनॉमिक्स में कहते होते हैं कि पहला $1 मिलियन जो होता है वो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है कमाना, फिर उसके बाद 10 मिलियन जो होते हैं वो उससे थोड़े मुश्किल होते हैं। तो ये जो काम है ना, ये पहला स्टेप मुश्किल होता है। इससे ऐसा कुछ नहीं होगा। शुरू में शायद थोड़ा सी अनइजीनेस होगी, लेकिन बाद में ठीक हो जाएगा। इसमें हरीश भाई मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि ये जो आपने बहुत सही बात ओके गॉट कही इट, कि ये, समझ गया। अच्छा दूसरी बात यह है कि ये उनका जो एक सेकंड, उनका पाक पंजाबी का भी पॉइंट ले लें। जी हाँ जी, सर मैं भी कहना चाह जी रहा था कि ये ऑफेंस जब लेती है एक पार्टी तो फिर इसको वेपनाइज किया जाता है। तो ये एक हमने जो वेपन कह लिया ना, कि अगर ऐसे होगा तो लोग तो फिर ब्लास्फेमी शुरू कर देंगे। भाई कर देंगे तो ठीक है ना, उसका जो वेपनाइज जो इस वक्त हुआ हुआ है वो ऐसा ऐसा इसी तरह थिक स्किन ऐसे ही डेवलप जी। तो होगी। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर आप प्लीज ह्यूमन विद साइंसर के साथ एक स्ट्रीम कर दीजिए, क्योंकि आप दो ही ऐसे पर्सन हैं जो जिनका बहुत बड़ा योगदान है मुझे चेंज करने में। ऑब्वियसली मैं अपना दिमाग लगाया था, लेकिन आप दोनों लोगों का मैं बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, जफर भाई का आपका और ह्यूमन विद साइंस का। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप एक दिन एक पैनल में हो। मैं एक आई थिंक 1-1.5 साल पहले आपके चैनल पे आया था, सेम ही बात बोली थी आपने, मेरे सामने उनको मैसेज भी किया था और मुझे दिखाया भी था स्क्रीन पे, लेकिन क्या हो पता नहीं, वो ठंडे बस्ते में बात चली गई। आप बोल वो बोलते हैं कि नहीं, उनका टाइमिंग मैच नहीं होता, लेकिन वो भी इसी टाइम स्ट्रीम करते हैं जिस टाइम अभी आप लाइव हो। हाँ यार, ये पता नहीं क्यों यार, आई एम रियली सॉरी। मुझे अब ये याद है, मैंने वो जब किया था मैसेज, मैं बल्कि अभी फिर वही काम करने लगा था, लेकिन मैंने कहा अब मैं पहले एक दफा काम कर चुका हूँ, दोबारा करके उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि आपने कहना है कि ये हमेशा कर देता लेकिन करता नहीं। हाँ मैं दोबारा वो सर मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट होगा मेरे लिए, देखना वो। तो मैं बस चले, यही मैं बोलना चाह रहा उनका था। उनका स्पेशल इंटरव्यू करूं, मैं उनका ऐसा ह्यूमन साइंस का स्पेशल इंटरव्यू करूंगा, वन ऑन वन, ये कौम से खिताब से अलहदा करके, कोई एक दिन 1.5 घंटे का पूरा इंटरव्यू, सिर्फ उनका स्पेशल इंटरव्यू मैं करूंगा। मुझे वाकई बड़ा होता है कि मुझे नहीं मौका मिलता, क्योंकि पता नहीं क्या वजह है। मैं असल में सिर्फ ये अपना शो करता हूँ, और अब ये दो हो गए हैं तो मुझे इतना कोई टाइम नहीं मिलता। और ऑब्वियसली ह्यूमन साइंस वो बड़े बंदे हैं, उनको स्पेशल टाइम देना पड़ता, देना पड़ेगा, तो वो नहीं हो पाता। लेकिन चले, बड़ी खुशी हुई कि आपका भी दिमाग बदला। आप पहले मोमिन थे या जी पक्के वाले मोमिन थे, अच्छा जी पक्के मोमिन वाले? थे, चले जी पक्के वाले। बहुत शुक्रिया,
बहुत शुक्रिया सर, आई एम वेरी हैप्पी कि आप बदले और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, कीप फाइटिंग। थैंक यू सर। ओके चलें जी, ये थे हमारे तर्कशील बंदा, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। देखें सर जी, हर जगह पे आवाज जाती है, हर जगह पे लोग बदलते हैं, और लोग बदल के सिर्फ बदल के घर नहीं बैठ जाते, वो एक्टिविस्ट भी बनते हैं। असल खुशी वहां से होती है जब कोई एक्टिविस्ट बनता है, यानी ये ऐसे है कि ये एक्टिविस्ट जब बनते हैं तो ये खुद अपने साथ साथ ना 50-100 बंदों को लेके जाएंगे, यानी लेके जाने से इनको उनका भी ईमान उठाएंगे, यानी रीजन नेशनैलिटी में लाएंगे। तो ये चेन रिएक्शन है जिसकी वजह से परेशान हुए मैं। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।